हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लांट शेयर करना चाहती हूँ जो कि हम सभी अपने घर में लगाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव प्लांट है ये। बहुत ही अच्छा, अगर ये अच्छे से ग्रो हो जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज हम बात करेंगे एरुकेरिया प्लांट के विषय में। एरुकेरिया, जिसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और जो कि घर में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। जो एरुकेरिया का प्लांट है, इसके लिए सोयल मिक्सचर जो होना चाहिए, 50% मिट्टी, 25% रिवर सैंड और 25% खाद, जो कंपोस्ट है वो हमें इसमें देनी चाहिए। अगर जो हमारी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो हमें उस अवस्था में जो उसकी जगह को कोकोपीट यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें जो रेत यूज करेंगे, रिवर सैंड यूज करेंगे, तो उससे है ना जो हमारी मिट्टी है ना वैसे चिपचिपी सी हो जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो इस दशा में हमें ऐसा करना चाहिए। अब ये चलो मिट्टी तो हो गई तैयार, और जो ये मॉइस्चर को पसंद करने वाला प्लांट है तो मिट्टी का तो हो गया, तो उसके बाद चलो चलते हैं। तो इसके पॉट जो ये है ना, जो पॉट है जो प्लांट की साइज पर निर्भर करता है। तो जो हमारे प्लांट की साइज कितनी है, जो छोटा प्लांट होगा तो वो 6 इंची, 6-7 इंच का प्लांट हो, जो 6 इंची गमले में भी बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और जो उसमें जो जो हमारा प्लांट बड़ा होगा तो उसको हमें उसके लिए गमला भी बड़ा होना चाहिए। वैसे ज़मीन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और जो ज़मीन में है ये मॉइस्चर है ना अपने आप अब्जॉर्ब करता रहता है ज़मीन से। तो इसकी जड़ें हैं, तो इसके लिए जैसे जैसे हमारा गमला, हमारा प्लांट बड़ा होगा तो उसके लिए हमें वैसे वैसे इसका गमला भी बड़ा होगा, जो कि बहुत ही वैसे ज़्यादा ग्रोथ ये प्लांट करता नहीं है और बहुत ही मतलब ज़्यादा ग्रोथ तो ये करता नहीं है। और ये प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जो जो ये बढ़ता है तो ये मैच्योर होता जाता है। मैच्योर होने के बाद अगर आपका प्लांट ज़्यादा ही बड़ा हो तो हो सके तो आप इसको जो है ज़मीन में लगा दे, ज़मीन में बहुत अच्छे से चलेगा। वैसे गमले में भी अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन जितना अच्छा ये ज़मीन में चलता है उतना अच्छा ये गमले में ग्रो नहीं करता। तो अच्छा, ये रही इसकी जो पॉट की बात, अब आई इसकी पानी की बारी। तो ये प्लांट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है नमी जो होनी चाहिए, इसके आसपास नमी होनी चाहिए, और ये नमी को पसंद करने वाला प्लांट है। और जो इसकी मिट्टी है ना, हमें थोड़ी ऐसी रखनी चाहिए, मतलब कि नमी युक्त मिट्टी रखनी चाहिए। इसकी मिट्टी को ज़्यादा सूखी ना रखे, ये मैंने इसमें सुबह सुबह अभी पानी दिया था इसलिए ज़्यादा गीली है। तो ये जो है नमी को बहुत पसंद करने वाला प्लांट है, और हमें जो है ना इस प्लांट पर जो पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। और तो पानी का छिड़काव करेंगे तो उससे ये प्लांट है ना जो उसको नमी को अपने पत्तों के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो उससे ये बहुत ही अच्छा चलेगा। और जो इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखा ना रखे, जो अंडर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करे, इसके अंडर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। और इसको ना एक ऐसा एरिया पसंद है, तो अब आई इसकी एरिया की बात है। तो इसको ऐसा एरिया पसंद है इसको, जैसे कि ज़्यादा सीधी तिखी धूप बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाएगा। अगर गमले में लगा हमारा प्लांट, मिट्टी वाला तो कर लेगा, अगर हमारा छोटा सा प्लांट है तो वो ज़्यादा तिखी जो वो है बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाएगा। और जो हमारा मिट्टी जो गमले जमीन वाला प्लांट है वो तो कर लेगा, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे से पानी ऑब्जॉर्ब करती रहती है। तो ये
और मैं सैडी एरिया में रखना चाहिए, ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 3-4 घंटे की धूप इसको प्रॉपर मिले। और इसको ना प्लांट के झुंड में बना कर रखे तो उसे भी ये बहुत ही अच्छा चलेगा। तो देखो जैसे मैंने भी अपने झुंड में रखा हुआ है इसको, और जो कि साइड एरिया में रखा हुआ है, यहाँ पर धूप सुबह मॉर्निंग धूप आती है। अच्छा अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लांट बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाता, इसकी जो पत्तियाँ हाँ बर्न हो जाती है, देखो जैसे ये हो गई है। तो ये कटिंग से बिल्कुल भी, देखो सब कहते हैं अगर किसी का कटिंग से ग्रो हुआ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मेरा तो बिल्कुल भी कटिंग से ग्रो नहीं हुआ, मैंने इसे नर्सरी से ही परचेज किया था। और जो इसकी पत्ती, अगर आप जो इसकी एक ये स्टेम भी तोड़ दोगे ना ये वाली भी, तो ये भी दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यह इतना इजी टू ग्रो प्लांट नहीं है, कटिंग से बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो जो इसकी जली जली पत्तियां हैं इनको आपको निकाल देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी आगे की पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। अब खाद, इसमें नॉर्मल खाद देनी चाहिए, कुछ ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर बताना। और ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, ये देखो ऊपर से इसकी स्टेम टूट गई थी, इसमें दूसरी स्टेम निकल आई है यहाँ से, देखो यहाँ से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।